जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। बाबा जी की जय। बोले बाबा जी की। हाँ जी प्रभु जी बताइए। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ ना, अगर हम गुफा में सुबह मॉर्निंग में पहुँचते हैं ट्रेक करके 6 किलोमीटर की, तो सुबह में तो हम लोग दर्शन कर रहे भोले बाबा जी की, ठीक है। तो दर्शन करने के बाद फिर अगर चाहे हम शाम को आरती वगैरह देखने के लिए, तो फिर से दोबारा दर्शन कर सकते हैं ना, कि एक ही बार हम लोग कर सकते हैं दर्शन? नहीं नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप चाहे तो 5 बार ही, आप चाहे तो 10 बार दर्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा लगे कर सकते हैं, पर यही है कि एक दो बारी दर्शन, अगर देखो यात्रा बाबा जी की साल में एक बार होती है, तो मन तो करता ही है बार बार दर्शन करने का। हम भी कई बार 2 बार दर्शन करके आते हैं, पर ये होना चाहिए कि जिस टाइम भीड़ कम हो उस टाइम जाएं, ताकि बेचारे और यात्री जो पहली बार आए उनको दर्शन करने का मौका मिले। हाँ, वो बात तो सही है। बाकी दर्शन आप गुफा में आप 2 बारी 3 बारी वहाँ रुकना हो आपको, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, तो आप वहाँ रुक के रुक भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं प्रभु जी, ठीक है। एक और क्वेश्चन थी जी, एक लास्ट क्वेश्चन बोलेगा जी। हाँ जी, वो कोई ट्रांसपोर्ट का कोई आपका कोई जान पहचान नहीं है क्या? कि हम कश्मीर गए हुए थे अगले बार, तो जितने सारे बात कर रहे हो लोग से, वो 20,000-25,000 बता रहे हैं। क्या प्लान है आपका, बताओ प्लान क्या? मेरा प्लान है 14 तारीख को हम श्रीनगर उतर रहे हैं, 16 तारीख का मेरा परमिट बना हुआ है। कितने लोग हैं आप? हम लोग 7 लोग हैं। 7 लोग हैं। आपको टेम्पो ट्रेवलर चाहिए? हाँ जी, टेम्पो ट्रेवल चाहिए, वो श्रीनगर से पहलगाम के लिए और बालताल से जम्मू के लिए। कितने दिन के लिए चाहिए? 14 को आपको उठाना है वहाँ से एयरपोर्ट से। 14 का दिन हो गया, 15 का दिन हो गया, 16 का दिन हो गया है। हाँ जी, फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे आप बालताल से? वहाँ से हम लोग 19 तारीख बालताल से, 20 तारीख को हम लोग क्या बोलता बालताल से जम्मू। 20 तारीख को जम्मू है? 19 तारीख 19 तारीख 19 को। तो 14 को आपको लेना है, 19 को छोड़ना है। हाँ जी, तो 14, 15, 16, 17, 18, 19 छह दिन के लिए आपका टेम्पो बुक रहेगा। हाँ जी, ताकि 2 नाइट हम लोग का पहलगाम में ही है, 2 नाइट तो पहलगाम में रहेंगे आप। हाँ जी हाँ, हम लोग 1 दिन एक्स्ट्रा लेकर चल रहे हैं, ताकि 15 तारीख का डेट आप बुक कर रहे थे फ्लाइट का, तो वो ज्यादा बता रहे थे रेट, और 14 तारीख का बुक किए तो उसका थोड़ा रेट कम था। तो अगर आपको कोई 20,000 बोल रहा है ना, तो 20,000 तो रेट बहुत सही है, क्योंकि मिनिमम आप ये मान के चलिए कि 5,000-5,500 में पर डे का टेम्पो ट्रेवलर होता है। आपको सस्ता जुगाड़ बताऊँ मैं? हाँ जी, सस्ता जुगाड़ बताता हूँ आपको मैं। आप एयरपोर्ट से ड्रॉप लो पहलगाम, ठीक है? अच्छा, सिर्फ ड्रॉप लो, और फिर अच्छा हाँ ये हो सकता है। मैं आप ना मुझे व्हाट्सएप करना, मैं पर इसमें टेंशन ज्यादा हो जाएगी। इसमें ये है कि आपको ड्रॉप करने के बाद है ना, फिर जब आप बालताल के नीचे आएंगे उस दिन आप गाड़ी बुक करें, आपको गाड़ी उस दिन से स्टार्ट हो आपकी, मतलब जैसे श्रीनगर से। हाँ, श्रीनगर से पहलगाम का कोई लोचा नहीं है, उतर इधर उधर सफर मैंने भी हो भी जाएगा। तो आप गाड़ी आपको बालताल में गाड़ी मिले, और बाड़गाल से आपको गाड़ी वहाँ छोड़ दे, वो ज्यादा अच्छी रहेगी आपको, वो सस्ते पड़ जाएगी। हाँ जी, बालताल से जम्मू के लिए ज्यादा आई है। हाँ हाँ, वो आपका 10-12 हजार रुपए में आराम से हो जाएगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा आपको, बिल्कुल है। अच्छा, पर यात्री 1,000-1,200 आएगा, वो बस वाले रेट के टैक्सी वाले रेट में हो जाएगा। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दूंगा कि जब मैं फ्री होगा तो आपके लिए प्लान बना दूंगा, ठीक है? तो आपको कब तक बताएं हम, मतलब अभी मत करो, 10 दिन तो मत करो, आराम से करना 10 दिन के बाद। एक्चुअली क्या है, मुझे ना अभी बसेस वगैरह बुक करनी है अपनी ना, उसकी वही टेंशन हो रही है। तो 10 दिन के बाद करना, ज्यादा लेट मत करना, 10 दिन के रेट हाई हो जाएंगे, ज्यादा बुकिंग आ जाएगी ना इनके पास, तो फिर रेट हाई कर देंगे। 10 दिन बाद आपको मैसेज करता हूँ, और कोलकाता से मेरा नाम आशीष है। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।